अच्छा भाई, हमने गाड़ी जो है वो पार्क कर ली है और यहाँ के जो टाइमिंग्स मैंने पता किए हैं वो हैं शाम 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। वो कह रहे हैं कि बंद कर देते हैं इसको। अगर आप लोगों ने वॉक वगैरह के लिए यहाँ पर आना है तो सुबह में वॉक के लिए भी आ सकते हैं। उसके लिए तो उन्होंने बताया कि कोई टिकट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर शाम को इंजॉयमेंट के लिए आना है और यहाँ पे झूले वूले खाने या जो भी यहाँ पर अंदर होगा मुझे खुद भी नहीं पता, तो उस सब सारी इंजॉयमेंट के लिए अगर आप आएंगे तो शाम 4 बजे के बाद आप यहाँ पर आएंगे और रात को 9 बजे तक ये बंद हो जाता है। ये एंट्रेंस के बाद ही ना सफारी पार्क में मीरठ का ये कबाब पराठा भी मिल जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है भाई। चलो अब फिर अंदर चलते। यहाँ पर बड़ों का टिकट जो है वो 50 रुपये है, दाखिला टिकट। 3 साल तक के बच्चों की टिकट फ्री है यहाँ पर। ये भाई बस आ रही है, कहाँ से आ रही है? सफारी। ये सफारी ज़ू एरिया से आ रही है और यहाँ की जो एंट्री है आज के दिन फ्री है। अगर आप लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, पहाड़ों को पसंद करते हैं, तो फिर आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यह आप बस देख रहे हैं, ये लोगों को भर भर के लेके जाती है कराची सफारी ज़ू दिखाने के लिए। वहाँ पे कुछ जानवर रखे हुए हैं। उन्होंने इस बस का किराया 100 रुपये है। ये सिंधा बोलती है, बातें करती है सफारी पार्क वाली मुमताज़ बेगम। तस्वीर उसी की लगाई हुई है जो ज़ू में है। क्या टिकट है इसकी? 50 रुपये का टिकट है इसका, एक बंदे का। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है इसको देखने का, बस में बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ये है बोट राइड एरिया और इसमें भी इसकी टिकट है। अब कितनी टिकट है पता करके बताती हूँ। आई थिंक पर पर्सन ये भी 100 रुपीज़ है। एक गोल चक्कर खिलाएंगे आपको तालाब में। ये है ज़िपलाइन, ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस होगा और ये है वो जगह जहां से ये इनको चढ़ा रहे हैं और से सेफ्टी मेजर्स दे रहे होंगे जरूर ज़िपलाइन के हवाले से। और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस करके जा रहे हैं ज़िपलाइन के जरिए। और नीचे ये बोट का पूरा पोर्शन है कि बोट पे सफर करना है तो उसकी टिकट भी 100 रुपीज़ है। ये है फ्लाई सफारी, ऊपर से ज़िपलाइन पे अगर जाना हो तो आपको यहाँ तक जाना होगा। 100 रुपये उसके चार्जेस हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा वो आपको। अरे वाह, ये तो खजूरें लगी हुई हैं। इंटीरियर में देखी है मैंने, ये इस तरह की खजूर है, जबरदस्त। और ये बंदा ज़िपलाइन के जरिए जा रहा है। अच्छा, फ्राइडे होने की वजह से ना यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। और किसी भी राइड को लेने के लिए, कश्ती में बैठने के लिए या फिर ज़िपलाइन के लिए आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, ये टोकन काउंटर है, पैकेजेस लिखे हुए हैं इन्होंने 16.50 और 25 ऑफ ऑल टुगेदर 7 गेम्स। पैकेजेस 2 13.50, 1 purchase ऑफ ऑल टुगेदर 6 गेम्स। फिर 800 रुपए वाले में 3 4 5 6 4 गेम्स। और गेम्स के नाम ये हैं। अच्छा, ये पूरा गेम्स का पूरा एरिया है। बच्चे लाए, 3 लाए 4 लाए 5 लाए, उस हिसाब से सारी गेम्स हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई कि कितने गेम्स के क्या प्राइस हैं, क्या पैकेज चल रहा है इसका। और माहौल अच्छा है भाई, ख्याल रखने के लिए इनके बंदे भी मौजूद हैं। Yeah, 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 yeah
अच्छा भाई, ये है इनॉग्रेशन सफारी हॉर्स राइडिंग क्लब की बाय बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, मेयर कराची। दो घोड़े रखे हुए हैं, दो घोड़ों की इन्होंने इफ्तिताह किया होगा। दो कहाँ से, दो यहाँ भी इन्होंने बांध रखे हैं, चार चार घोड़ों का इफ्तिताह किया गया होगा। ये एक लड़की है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रही है। अरे इतनी मरमर करेगी तो सुबह तक इसका राउंड पूरा हो ही जाएगा। अच्छा ये शूटिंग की भी है, शूटिंग के क्या चार्जेस हैं, शूटिंग के क्या चार्जेस हैं? 150, शूटिंग के 150 और घुड़सवारी के 200। अच्छा भाई, घुड़सवारी के 200 रुपए हैं चार्जेस और अगर आप शूटिंग करेंगे यहाँ पर तो 150 चार्ज होगा, क्योंकि ये एरिया बहुत इन्होंने ना अच्छा कवर किया हुआ है और बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस ली हुई है भाई। पिस्टल के 300 हैं और राइफल के 250 हैं। ओके अच्छा भाई, ये इस साइड से जो पोर्शन है ना, ये वाली जगह, ये जिप लाइन वगैरह के लिए अगर आपको जाना हो या बोट वगैरह के लिए तो वो फिर इस रास्ते से है। ये थोड़ा सा चढ़ाई पर है, रन फास्ट। अच्छा हाइकिंग वाइकिंग ना, इससे सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत तो दूर की बात है, हाइकिंग हो रही है इससे तो। गुड प्लेस टू विजिट। अच्छा जी, ये है वो जगह जहाँ से लटकना है। ये लटकने वाली जगह है, अगर किसी को लटकना है तो यहाँ आ जाए। ये लटकने वाली जगह है। ये है ना, मुझे ये बच्चे यहाँ से लटक के किधर जाएंगे? वो जा रही ना, वो आगे जा। ये अच्छा, ये है, ये यहाँ बच्चा मौजूद है। ये पूरा राउंड लेना है भाई। हाँ, और सारी हर्डल्स को जो है वो क्रॉस करना है। और सिक्योरिटी क्या है इनकी भाई? हैंग किया हुआ है। हाँ, मौसम नजर आ रहा होगा, बादल भाई कितने हसीन लग रहे हैं और ठंडी हवा भी है, शुक्र अल्लाह का। और एक ये भी है गेम, है ना, ये छोटे थोड़े से छोटे बच्चों के लिए है। और ये थोड़ा हम ऊंचाई पे आ गए हैं। अच्छा, इन्होंने भी वो ड्रामा है ना, क्या ड्रामा आजकल आ रहा है संडे वाले दिन जर्द पत्तों के बन, उसमें वो जो मिनिस्टर है वो जगह जगह पे अपनी तख्तियां लगाता है ना, रेहान शेख जो पोट्री कर रहा है एक मिनिस्टर का रोल, उसमें यही है कि वो जो मिनिस्टर है वो जगह जगह पे अपनी तख्तियां लगा देता है। ये मुर्तजा साहब ने भी ना जगह जगह पे यहाँ पर अपनी तख्ती लगा दी है। हालांकि सफारी पार्क तो हमारे भी बचपन का है और उससे भी पहले का है। ये है बस, ये अंजाम दिया है, ये गेम्स हैं, ये पहले नहीं होती थी। इसके भी टिकट हो गए? इसके कहाँ से टिकट परचेज करनी है? वो काउंटर से क्या है, कुछ पता है आपको रेट? 300 रुपए टिकट। कितने? 300 रुपए। 300 रुपए की टिकट है। अच्छा, यहाँ की टिकट जो है वो 300 रुपए है। शाबाश बच्चे, गुड गोइंग। हाँ, बच्चे को ग्रिप किया हुआ है, हर तरह से महफूज किया हुआ है। और एक शख्सियत जो है वो इस तरह से खींच भी रही है रस्सी को ताकि वो बच्ची जो है वो ऊपर जाए। ये यहाँ से पुल किया जा रहा है। जो ये भी है इस तरह से थोड़ा सा एरिया, काफी सुनसान सा, ऊपर जाना मना भी है, मुझे पता है कि ऊपर जाना मना है। और ऊंचे नीचे रास्ते हैं,
जॉगर पहन कर आए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा ये है वो जगह जहाँ से बड़ा ही क्लियर शॉट लिया जा सकता है जिप लाइन का। अच्छा यहाँ से काफी ना खूबसूरत लग रहा है। ये सारे बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स हैं। वो एक और नीचे गेम नजर आ रही है मुझे। ये पूरा फ्लाई सफारी का जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा गेम्स रखी गई हैं बच्चों के लिए। थ्रिल फन मस्ती का इंतज़ाम किया गया है। इसकी इनॉग्रेशन मुर्तज़ा वहाब ने 28 जून को ही की है। रिसेंटली ये यहाँ पर इसकी इनॉग्रेशन हुई है। यहाँ पर जूनियर ऑब्स्टिकल कोर्स मिलेगा, वॉल क्लाइंबिंग, स्पाइडरमैन टावर, ज़िपलाइन सब कुछ मिलेगा। मैं चूँकि यहाँ पर बहुत थक गई थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ के ससा लूँ। अच्छा ये देखें बोट राइड। बोट राइड करने का दिल तो बहुत करता है, उसमें आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स वगैरह दे रहे हैं ये, लेकिन जितना हसीन जमील ये पानी है ना उसमें मुझे डर ही लग रहा है कि अगर आप डूब गए तो फिर गए काम से। ये था डायनो सफारी पार्क। इसमें डायनासोर भी मैंने आपको दिखाए, झूले भी दिखाए, ज़िपलाइन भी दिखाए, बोट राइड जो लोग कर रहे थे बच्चे कर रहे थे मैंने नहीं की पर्सनली। उसकी टिकट 100 रुपीज़ थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, मैं इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती थी इसलिए मैं नहीं बैठी। अरे नहीं भाई, वहाँ पर रश बहुत था और फ्राइडे का चूँकि आज दिन है तो इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, मैं नहीं बैठ सकी उस पर। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बैठूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।